कितने की भैया चाय? 50 रुपए की, दो दे दीजिए। सो गाइस 50 रुपए की चाय का कप है यहाँ पर। देखा जाए तो अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से शायद 20 या 25 रुपीस की चाली बकाया दे, चाली बकाया। यह है 1000 रुपये पाकिस्तानी नोट। देखते हैं कितने की चाय, चाय देखते हैं यहाँ पर कितने की मिलती है। दो कप कितने? मेरी फोटो बना रहे की हो चले। ये लो आप पैसे दो। ये चाचा जान है यहाँ पर, मिठे चौड़ा वाला। मिठे चौड़ा वाला, तो कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तान आ रहा है, करतारपुर में आ रहा है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। बाबा जी के डेरे पे आ रहे हैं लोग, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बाबा जी को मथा टेकते हैं। हाँ जी, बाबा जी को सलाम करके इधर आते हैं। ये हमारी छोटी सी मार्केट है, इधर घूमते फिरते हैं। हमने कोशिश तो बड़ी करते हैं कि आने वाले मेहमान जो हैं वो हमसे खुश जाएँ, और उम्मीद है मुझे कि वो बहुत खुश जा रहे हैं। मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, शॉपिंग करने के लिए। भाई यार एक बात बताओ, इंडियन बंदों की आपको क्या खासियत? क्या बात है यार, उनके साथ कारोबार करके मज़ा आ रहा है। ठीक है, एक तो वो बंदे ऐसे हैं कि किसी का हक नहीं रखते। ठीक है, एक वो बंदे ऐसे हैं कि झूठ भी नहीं बोलते। ठीक है, थैंक यू। एक सफाई का बड़ा ख्याल यार रखते हैं। इधर बच्चे उनके इंडिया के आते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इतने इतने छोटे छोटे, वो चीज़ को खाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं बास्केट के। ठीक है, तो मुझे इधर भी कहना चाहिए क्योंकि मैं भी खुद पाकिस्तानी हूँ। नहीं नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते। मैं उनको समझाता रहता हूँ यार, इंडिया के बच्चों को देखो। और आप कभी इंडिया आए हो? नहीं, मैंने इंडिया नहीं आया, मगर जितना मेरा हो गया ना, वो क्या कहते हैं, मैं पॉपुलर इंडिया में हो गया हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं भी, थैंक यू, मेरा जी चाहता है कि मैं भी इंडिया जाकर विजिट करूँ, और जब भी मुझे कोई फुर्सत मिलेगी ना, तो मैं वीज़ा लगवा के ना जरूर जाऊँगा इंडिया सैर करने के लिए। ठीक है, आप आइए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि किसी दिन में 2-3 दिन के लिए जाऊँगा। और एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा, आप करें, जो अपने सरकारों के मसले हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, जो सरकारों के मसले होते हैं, हमारे पाकिस्तान ने उनको वायदा किया हुआ है कि 5000 बंदे जो हैं सरदार आएंगे, मगर अभी यहाँ से 200, 300, 400, 500 एक दिन आए थे 2000 के करीब बस। मगर ये सरदारों को ये इबादतगाह है, बाबा जी के दरबार से सरदार आते हैं बाबा जी के दरबार पर, इनको आने देना चाहिए। 5000 बंदा आना चाहिए डेली, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके लिए इंतजाम किया हुआ है। इंडिया नहीं जाने देता ना, इंडियन तरफ से रोका गया है आपकी तरफ से? नहीं नहीं, हमारे तो दरवाजे खुले हैं, हमारा तो हमने तो चेयर लगा रखी है, हमने तो उनके खाने पीने का बैठने का इंतजाम किया हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 बंदों को अलाउ किया है। ये एक दिन हुआ ना ऐसा, आगे पीछे 200, 400, 500 बंदा आ रहे हैं, ज्यादा बंदे नहीं आ रहे हैं। लोगों को आना देना चाहिए ना, इधर मेहमान नवाज हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, हम उनको इंतजार करते रहते हैं कि हमारे मेहमान आने हैं, इंडिया से मेहमान आ रहे हैं। ठीक है चाचा जान, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ, आप भी इंडिया हो, हम आपका मोस्ट वेलकम करेंगे। बड़ी मेहरबानी। ये भी इंडिया ही में आए हुए हैं, सारे दोस्त हिंदू मिलते हैं, बैठते हैं इकट्ठे, बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे, बैठ के चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, और बाबा जी के पास आते हैं, वो चावल भी खाते हैं। हमारे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा इंडिया के मेहमानों की खिदमत करें। थैंक यू। तो बहुत ही नेक विचार। आज गुलाम मुस्तफ़ा नाम है मेरा, गुलाम मुस्तफ़ा जी के बहुत ही अच्छे विचार, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। थैंक यू जी, थैंक यू। सो गाइज, ये थे एक पाकिस्तानी गुलाम, इनका नाम था गुलाम अली। तो मुझे बहुत इनसे मिल के अच्छा लगा, और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये भी पाकिस्तान इंडिया आना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि थोड़ा वीज़े में इनको दिक्कत आती है। यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, अपने एक ही देश से निकला हुआ है ये देश है पाकिस्तान, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिल के। चाय भी बहुत अच्छी है, चाय भी बहुत अच्छी है गाइज, और 50 रुपये का एक कप लगाया इन्होंने, लेकिन आप ये देखो कि मैंने 920 रुपये दिए थे और मुझे 1680 रुपये मिले थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 25 या 30 रुपये का एक कप है,
क्योंकि इंडिया में 20 रुपए का या 10 रुपए का होता है, लेकिन ये कप भी बड़ा है। तो अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत सुकून मिला।